कहानियों की खोज में कई बार लंबा सफर तय करना पड़ता है और सदी दर सदी वो कहानियां भी तो सफर करती है अपने अस्तित्व की खोज में। ऐसी ही एक कहानी हमें ले आई है उत्तराखंड के लाखामंडल गांव में। इस जगह को सबसे ज्यादा महाभारत के लाक्षाग्रह की कहानी के लिए जाना जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ कुछ नई कहानियां भी जुड़ी है। जैसे कहां से आए यहां मिलने वाले लाखों शिवलिंग और क्या है मरकर जीवित होने की कहानी जिसके लिए इसे मोड़ा भी कहते हैं। तो क्या है सच्चाई लाखामंडल की इन कहानियों की, जानने आई हूँ मैं सारा, कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। लाखामंडल को लक्षाग्रह के साथ जोड़ा गया है और एक अर्थ और भी निकालते हैं लोग, लाखामंडल जहाँ एक ऐसा मंडल जहाँ लाखों मूर्तियां हैं आदि, एक ये भी इसका निकाला गया है। लक्षमंडल लाखामंडल बना, मंडल शिवलिंग और उसके जो जलेरी है उसको भी कह लेते हैं। अनेक दर्जनों मंदिर कहीं खड़े हो गए तो हमने उसको लक्षमंडल स्थान नाम दे दिया, वो लाखामंडल बन गया। लाखामंडल इसलिए कहते हैं कि यहाँ लाखों मूर्तियां पड़ी हुई है, जहाँ भी खोदो वहाँ आपसे जरूर मिलेंगे। कुछ गांव वाले बोल रहे थे कि यहाँ पे तो एक चमत्कार है कि जहाँ पे भी खोदो मूर्ति मिलती है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो उसमें जो है ये कला के केंद्र रहे हैं, तो जहाँ कला के केंद्र मूर्तियाँ बनती रही होंगी वहाँ पर, तो कलाकार ने लिमिटेशन तो कोई रखी नहीं होगी कि दो मूर्ति बनाए चार मूर्ति बनाए, वो मूर्तियाँ बनाते रहे तो उससे जमा होगी मूर्तियाँ, लाखों मूर्तियाँ यहाँ पर मिल गई, तो लाखामंडल जो है नाम रख लिया उसका। और ये मूर्तियाँ बनाने वाले शायद भगवान शिव के भक्त रहे होंगे, अभी तो यहाँ इतने सारे शिवलिंग पाए गए हैं। भारत में जगह जगह पे लक्षाग्रह की स्टोरीज हैं। ये महाभारत की उस कथा से इसे जोड़ा जाता है जिसमें लाख के घर में पांडवों को बंद किया गया था और कौरवों ने दुर्योधन ने उनको जलाने का प्रयत्न किया था। दुर्योधन ने उन्हें मारने के लिए लक्षाग्रह की रचना की और उसी आग से बचकर वो यहाँ निकले थे। ये भव्य महल, विश्वास नहीं होता है कि दुर्योधन ने ये हमारे लिए बनाया। उसे तो ये करना ही था, भैया के युवराज बनने के पश्चात उसके पास चारा ही क्या था। आप एक महान कलाकार हैं पुरोचन जी, और शायद विश्वकर्मा के बाद मात्र आप ही हैं जो इस भव्य कला में निपुण हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की है आपने हमारे लिए, आभारी हूं मैं आपका। कहीं कोई कमी रह जाए तो मुझे बुलवा लीजिएगा, महल के सामने वाला कक्ष मेरा है। आज्ञा है पुरोचन जी। इसने अपना कक्ष महल के सामने कैसे बनाया, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। महल के पीछे से निकलने का ना तो कोई मार्ग है, ना ही पीछे कोई कक्ष है, ना ही कोई द्वार है। पांडवों के लक्षग्रह से भागकर बचने की कहानी शायद सबने सुनी है, मगर महाभारत का ये विशाल काव्य जितनी बार सुनाया जाता है उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नानी, पांडवों की क्या कहानी है यहाँ? पांडव यहाँ सब लोग बोलो ना, यहाँ पांडव की जगह। क्या यही लक्षग्रह है जो महाभारत में बताया गया है? ना यहाँ वो ऐसे कुछ नहीं है, और इतना इतना लाख लाना के महल बन जाए जी, तो कुछ ना कुछ उसके अवशेष तो होने चाहिए था। वो तो बहुत एक पहाड़ी होता है, पूरा जब महल जो बनता है तो लाख का एक पूरा पहाड़ी यहाँ पर होना चाहिए था उसका, तो चाहे कहानी पर हो चाहे नीचे दबा हो, कितना दबा होगा, लेकिन ऐसे कोई अवशेष यहाँ पर तो है मिले नहीं अभी तक। अब कालांतर में मिलते हैं तो फिर अलग बात है। पांडव तो वारणावट से बच के निकल गए, मगर वारणावट समय के साथ खो गया। लोकल लेजेंड्स और पांडवों की कहानियां कहीं जाकर एक हो गई। लाखामंडल वो जगह है जहां मृत्यु के मुंह से बचने का एक मौका मिलता है, और लोगों की माने तो ये मौका यहां सभी को मिलता है, इसलिए लाखामंडल का एक नाम और भी है, मोड़ा। मोड़ा क्यों? मोड़ा इसलिए यहां का नाम है कि जो आदमी कोई मरता था वो यहां पे जीवित होता था, तो मरा हुआ जब जिंदा हो जाता था उसके नाम से ये मरा हो गया है। तो क्या है ये मृत लोगों के जीवित हो जाने का रहस्य जो यहाँ मोड़ा से जुड़ा हुआ है? तो पंडित जी, मुर्दा लोग जीवित कैसे होते थे फिर से? इसलिए होते थे कि यहाँ पे भगवान अपने तरफ उसको एक बार खींच लेते थे प्यार से कि आप खड़े उठो
और पंडित जी का हाथ का दो चावल खाओ और फिर दोबारा मरो। हर उस क्षेत्र में मरने वाला व्यक्ति या मर चुका व्यक्ति एक बार वहां द्वारपालों के सामने आता है और मानव उसे बचाने की कोशिश करता है और दानव उसकी आत्मा को ले जाने की कोई प्रयत्न करता है। जो देव है उसका हीरे मोती का मुकुट है और जो दानव है उसके खोपड़ी पे मसान का निशान है। यहाँ आज भी मानव और दानव की मूर्तियां हैं, जो लोगों का मानना है कि जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष का प्रतीक है। क्या आप ये कहानी को सच मानते हैं कि ऐसा सच में हुआ था कि मुर्दे अपने आप जिंदा होते थे? हम बोलते थे जरूर। पहले से तो बोलते थे भाई, हमने तो नहीं देखा। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा कुछ कभी हो गया होगा, क्योंकि ज्यादा जानकारी आदमी को थी नहीं उस समय कि प्राण पूरे निकले हैं कि नहीं निकले हैं, कोई बेहोश की हालत में आ गया होगा। यहाँ वायदेव जो है हो सकता कोई ऐसी कृपा भी रही होगी, कौन जानता है, वो कालांतर की बातें हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समाज के दृष्टिकोण से तो मैं ये तो संभव नहीं है, ऐसा मतलब संभव नहीं है। और आज के उसमें संभव होता पर आज ऐसा होता है तो फिर हम विश्वास करें। लेकिन इस विश्वास का प्रतीक है लाखामंडल का ये प्राचीन मंदिर, जिसे जालंधर की रानी ऐश्वर्या ने 6वीं शताब्दी में बनवाया था। कहते हैं कि वो अपने मृत पति को पुनर्जीवित करने यहाँ आई थी। तो ऐसे ही ऐश्वर्या ने जो कहा कि मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, मैं तो अपने पति को जगाऊंगी और उसके जगह उसके मैं इसमें वो लोग यहाँ आए हैं और क्या सुना उसने यहाँ पे स्थाप में अपना भगवान की है शिव की। ईश्वरा की जो वहाँ प्रसस्ति पड़ी हुई है उसमें वो लिख रही है कि मैं अपने पति की सदगति करने यहाँ आई। मेरे पति जालंधर के राजकुमार थे और हाथी के गिरने से उनकी मृत्यु हुई थी। अपने पति की सदगति के लिए मंदिर का निर्माण किया, तो सदगति की मतलब उसके मोक्ष के लिए ये पुण्य स्थान होगा ना, उसमें जालंधर से आके जब यहाँ पे एक मंदिर बनाया तो कुछ एक पुण्यदायी स्थान होगा, तभी तो बनाया उसने। ईश्वर्या की खाई हुई सौगंध और यहाँ पाए जाने वाले लाखों शिवलिंग इस बात का प्रमाण तो है कि यहाँ जरूर कोई ऐसी घटना घटी थी। लेकिन क्या सचमुच इस जगह पर मौत भी एक पल के लिए लौट जाती है? शायद पांडवों के समय से ही इस जगह की कहानी मौत से जूझने की कहानी बन गई है। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।